यहां आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा या यहां आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि व्हाई ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग अपना कैमरा बंद करके यहां पर आप लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा यहां पर हमने सेटअप ही ऐसा करवाया हुआ है कि आप सभी लोग मुझे देख सकते हो और मैं भी आपको देख सकता हूं। तो बेहतर ये रहेगा कि लाइव सेशन बना रहे उसके लिए आप अपना कैमरा ऑन रखकर मेरे सामने बैठे और उस पोजिशन के अंदर बैठे जहां पर आप ट्रेनिंग लेने के लिए बैठे हो, तभी एक अच्छी तरीके से अपने डिस्कशन कर पाएंगे। और फिर से मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। पूनम जी ने ऑलरेडी आकर यहां पर बता दिया है कि ट्रेनिंग लेने से क्या फायदा होता है, लेकिन आप लोगों को पूछना चाहूंगा कि आज आपने समय का और टाइम का और पैसे का अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो ट्रेनिंग से आपको क्या फायदा होने वाला है और क्या बेनिफिट्स आप लोगों को मिलने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ट्रेनिंग जो होता है उससे बेनिफिट्स हमें ये रहता है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर लर्निंग करते रहेंगे तो अर्निंग करते रहेंगे। क्योंकि यहां पर आप लोगों को पता होगा, अगर लर्निंग हमें करना है, लर्निंग का स्पेलिंग आप लोग लिखिए, तो लर्निंग का स्पेलिंग जब आप लिखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा लर्निंग के स्पेलिंग में से अगर एल निकाल दिया जाए तो वो अर्निंग हो जाएगा। आज पूरी दुनिया के अंदर 100% लोग जो है उसमें से 95% लोग ऐसे हैं जो अर्निंग के पीछे भागते हैं, पैसा कमाने के पीछे। लेकिन प्रॉब्लम यही है, उन्हीं को पैसा कम मिलता है। और जो लोग अपने लिए काम करते हैं, अपने नॉलेज के ऊपर काम करते हैं और लर्निंग के पीछे भागते हैं, अर्निंग बाय प्रोडक्ट है, वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। आप लोगों को टीवी स्क्रीन के ऊपर यहां पर दिख रहा होगा कि 2 टाइप के लोग इस दुनिया के अंदर है और 2 डिग्रिया वाले लोग हमें मार्केट में मिलते हैं। बहुत सारे मैनेजर्स को जब हम मिलते हैं तो उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, I am MBA, मैंने MBA कर लिया है तो मुझे सिखाओ मत, सर मैं आपको सिखाता हूं, आपको क्या सीखने की आवश्यकता है। तो ऐसे माइंडसेट वाले लोग भरे पड़े हैं जिनका कहना यह है मुझे सब कुछ आता है। तो मैं उनको काउंटर क्वेश्चन करता हूं, अगर आपको सब कुछ आता है सर और मैम तो आप अपनी जिंदगी के टॉप 10 में क्यों नहीं है, आप अपनी कंपनी को टॉप 10 में क्यों नहीं लेकर गए। तब जाकर उनको रियलाइज होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी मार्केट में है जो जाननी जरूरी है लेकिन मुझे पता ही नहीं है। और दूसरी कैटेगरी यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, MBBA, मुझे बहुत ज्यादा आता है लेकिन भी मैं सीखने के लिए तैयार हूं। तो आपको अपनी जिंदगी के अंदर MBBA होना पड़ेगा कि बहुत कुछ आने के बाद भी अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तभी आप कामयाब हो सकते हो। तो क्या आप लोग सीखने के लिए तैयार है, यस या नो, हैंड्स राइज करके आपको बताना है कि आप सीखने के लिए तैयार है, क्योंकि माइक म्यूट रहेगा लेकिन अपने लाइव रहेंगे। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर 90% लोग ऐसे हैं या 95% लोग ऐसे हैं कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और 5% लोग ऐसे हैं जो सफल है। तो ये इतना बड़ा जो गैप आ रहा है वो गैप आने की वजह क्या है, तो इन लोगों के पास डिग्री आ गई है MBA वाली और इन लोगों के पास डिग्री है MBBA वाली। तो आपको अगर कामयाब होना है तो आपको सीखते रहना जरूरी है, आगे बढ़ते रहना जरूरी है। अब मैं बात करूंगा कि सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ा रीजन जो निकल कर आया कामयाब लोग नहीं हो रहे उसके पीछे की वजह, तो ये वजह निकल कर आई कि 99% लोग ऐसे हैं जिनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लर्निंग एटीट्यूड। वो सीखना ही नहीं चाहते हैं या उन्होंने अपने एटीट्यूड को ऐसे बिल्ड कर दिया है मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है। और ये वाला माइंडसेट जब आपका बिल्ड हो गया है तो आप कभी भी तरक्की नहीं करोगे। क्योंकि एक सिंपल चीज आप लोगों को बता देता हूं, आज आप लोगों के अकाउंट में कितना अमाउंट है ये मुझे आपको बताना नहीं है, लेकिन मैं इतना फाइनल आपको बता देता हूं, जितना आपका बैंक बैलेंस है उतना ही आपके पास नॉलेज है। और अगर आपके बैंक बैलेंस का डिजिट 10 काउंटिंग के अंदर नहीं है, मोबाइल नंबर जितना नहीं है, मतलब अभी भी आपको सीखने की जरूरत है। सिंपल अगर मैं आपको बोलूं तो, अगर आपका लर्निंग रहेगा अर्निंग बाय प्रोडक्ट रहेगा। तो अब सवाल यह आता है एक्टिविटीज के जरिए यहां पर हम समझेंगे कि आप दिन भर में करते क्या है।
तो आप सभी लोगों को एक एक्टिविटी शीट दी गई है जिसको अब आपको ओपन करना है और वहां पर उस एक्टिविटी शीट के अंदर पहली एक्टिविटीज के अंदर आना है और वहां पर आपको पूरा रूटीन जो है सुबह से लेकर शाम का वो आपको लिखना है कि जब आप दिन की शुरुआत करते हो वहां से लेके जब आप दिन खत्म करते हो पूरे दिन में एक एक घंटे की आपको एक्टिविटीज वहां पर लिखनी है और नोट डाउन करना है कि आपका पूरा दिन जाता कैसे है और वो नोट डाउन कर फिर आपको बताना है कि पूरे दिन में आप करते क्या हो। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि सब लोग अपना पैड और पेन एक्टिविटी शीट अपने हाथ में ले लीजिए और नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक आप कर क्या रहे। तब तक कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों का रूटीन ऐसा होता है, कई लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है सुबह उठने का टाइम फिक्स नहीं होता है। यस या नो? बहुत सारे लोगों का काम पर जाने का टाइम फिक्स नहीं होता है, टाइम पर पहुंच नहीं पाते। यस या नो? बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम यह होता है काम करके, काम खत्म करके घर पर आने का टाइम फिक्स नहीं होता है। यस या नो? और बहुत सारे लोगों का दिक्कत यह होता है रात को सोने का टाइम भी फिक्स नहीं होता है। सही बात है? तो कुछ भी फिक्स नहीं है और फिर भी आप चाहते हो कि आपको ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू मिले, ये पॉसिबल नहीं है। एक बार लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, फिर उसके ऊपर अपने बात करेंगे। लिख लिया सभी लोगों ने अपना रूटीन? जिनका रूटीन लिख लिया होगा वो लोग खाली हाथ खड़ा करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा इन्होंने अपना रूटीन जो है वो नोट डाउन कर लिया है। कि हमारा होता यह है कि सुबह के अंदर हम उठ जाते हैं, उठने के बाद हमारा ये रहता है कि हम काम पर चले जाते हैं, काम पर जाने के बाद ये हो जाता है कि काम खत्म होकर हम घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचने के बाद एक टाइम होता है जहां पर हम सो जाते हैं, उसके बाद फिर से ये रूटीन हमारा फिक्स रहता है। तो मेरे ख्याल से बाकी जितने भी लोग जो नहीं बोल पाए हैं उन लोगों का भी रूटीन कहीं ना कहीं यही होगा। यस या नो? अगर आप लोगों ने इतने टाइम से अपना रूटीन अगर फिक्स रख दिया है या फिक्स करके अगर रखा हुआ है तो दूसरा सवाल यह है आप लोगों का आउटकम जो है वो नया होगा कैसे, वो नया आएगा कैसे, क्योंकि वो ही क्वेश्चन मार्क है। तो आप लोगों को समझना ये पड़ेगा कि आपका रूटीन जब आप लोगों ने अपना चेंज कर दिया है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये रूटीन के अंदर से अब आपको नई चीजें अगर करनी है तो नई चीजें करने के लिए आपको अपना ये फिक्स रूटीन जो आपने बनाया हुआ है उसमें से आपको बाहर आना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? और अब आप लोगों को रूटीन में से बाहर आने का मतलब घूमने नहीं जाना है, बाहर नहीं चले जाना है। आपको अपना रूटीन में से बाहर आने का मतलब समझना यह है आपको अपने रूटीन को बदलने की जरूरत है। क्योंकि बहुत ही अच्छा किसी गालिफ ने कहा था, मैं ताउम्र लगा रहा अपना चेहरा सुधारने में या अपना चेहरा बनाने में, क्योंकि तब जाकर मुझे पता चला जो दाग था वो मुझे लगा था मेरे चेहरे के ऊपर और मैं साफ कह रहा था बार बार आईना। तो हमें समझना पड़ेगा कि आईना साफ करने की जरूरत नहीं है, अगर दाग लगा हुआ है अपने चेहरे पे तो हमें अपना मुंह साफ करना पड़ेगा। सिंपल चीज ये है। तो अगर आपको अपना रूटीन जो है उसको अगर आपको सुधारना है तो अब आपको काम करना पड़ेगा अपने रूटीन के अंदर, आप लोगों को लेकर आना पड़ेगा लर्निंग और वो लर्निंग आपको लेना पड़ेगा तीन पार्ट के अंदर। सभी लोगों ने 2020 मैच देखा है इस साल का और इस साल हम 2020 में जीते हैं, तो अब हम सब लोगों को रूटीन में एक चीज अपनानी रहेगी 2020, और वो 2020 चीज ये रहेगी कि आपको 2020 टाइम पूरे दिन में एक घंटा आपको अपने लिए बिताना है। तो 24 घंटे में से बाकी के 23 घंटे जो है वो आप किसी काम में भी दे दो, लेकिन एक घंटा आपको ये चीजों के ऊपर देना है और वो आज से आप लोगों को चेंज करना है। आप लोगों की एक्टिविटी शीट के अंदर लास्ट का एक पेज आप लोगों को दिया हुआ है, जिस पेज के अंदर हमने लर्निंग को लेकर किताबें और बहुत सारी चीजें वहां पर आपको दी हुई है जो आप लर्निंग में यूटिलाइज कर सकते हैं।
और साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 2020 आपको यूज कैसे करना है। तो पहला 20 मिनट आपको देना है अपने माइंड के लिए, उसके बाद का जो 20 मिनट है वो आपको देना है अपनी बॉडी के लिए, और उसके बाद का जो 20 मिनट है वो आपको देना है अपने सोल के लिए। जैसे कि रोज सुबह उठकर आप लोगों को करना पड़ेगा मेडिटेशन, योगा, जिससे आपका मन अगर शुद्ध होगा तो अच्छे विचार आएंगे और अच्छा काम आप कर पाओगे। दूसरा 20 मिनट के अंदर आपका बॉडी अगर मजबूत होगा तो 40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र में भी आप यंग रहोगे और अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाओगे। उसके बाद आता है आपका माइंड, रोज कुछ नया सीखोगे, रोज कुछ नई चीजें आप अपने अंदर लेकर आओगे। जैसा आज आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है अपने लर्निंग के पीछे, उसी से आप ग्रो हो पाओगे। तो ये पहला एक घंटा आज के बाद आपको अपने आप के लिए देना है। सुबह 7 बजे उठते हो तो 6 बजे उठना शुरू करो, 6 बजे उठते हो तो 5 बजे उठना शुरू करो, 5 बजे उठते हो तो 4 बजे उठ जाओ, और 4 बजे उठते हो तो 3 बजे उठ जाओ। तो सवाल यह है सोने का कब, क्योंकि सोते सोते ही सर 3 बज जाते हैं। तो उन सब लोगों को बताना चाहोगा, हंस रहे हैं बहुत सारे लोग, मतलब ये बात तो सही है कि उनका टाइम 12 बजे के बाद का तो जा ही रहा है। तो आपको नाइट का जो लंच होता है, डिनर होता है, वो डिनर आपको 6 से 7 में कंप्लीट करके 8 या 9 बजे तक बिस्तर पर पहुंच जाना है, अपने मोबाइल को साइड पर रख देना है और सो जाना है। जितना जल्दी आपका गुड नाइट होगा उतना ही जल्दी आपका गुड मॉर्निंग होगा, और फिर आप अपने लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर दोगे। तो क्या आज के बाद ये एक्टिविटी आप लोग करेंगे? यस, डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं। निकालना कैसे? तो अब आप लोगों को अपने रूटीन को अगर चेंज करना है तो रूटीन को चेंज करने के लिए आप लोगों को लेकर आना है लर्निंग, और लर्निंग के लिए लास्ट पेज आप लोगों को मिला है जहां पर आप अपने लर्निंग को बेहतरीन ढंग से कर पाओगे। अब हम बात करेंगे सेकंड चीज, जहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 20वीं सदी और 21वीं सदी में अंतर क्या है। तो बहुत सारे लोगों का माइंडसेट जो है वो 20वीं सदी वाला है। अब आप लोगों को अपना माइंडसेट जो है वो चेंज करना है। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को यहां पर दिख रहा है 20 सेंचुरी वाले लोगों का माइंडसेट क्या है, नो विजन नो गोल। एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कोई विजन नहीं बनाएगा, वो कहीं पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि घर से जब आप निकलते हो तो आपको क्लियर होना चाहिए आपको जाना कहाँ है, और जितना क्लियर होगा जाना कहाँ है उतना ही अच्छा आप प्लानिंग कर पाओगे। दूसरा होता है कि डोंट हैव क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार अपनी कंपनी के अंदर काम करने के लिए आपको ये पता ही नहीं होता है कि आपका रोल क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आप कुछ भी करते रहते हो, और कुछ भी करने से जिंदगी में कभी भी कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाब होना है तो आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा। और लास्ट आता है ओल्ड स्टाइल, पुराना तौर तरीका, जो तरीका सीखकर आपने धंधा शुरू किया या जो पुराना तरीका सीखकर आपने जॉब करने की शुरुआत की। तो एक अच्छी स्टोरी यहां पर मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगा कि जो स्टोरी मुझे याद आ रही है पुराने तरीकों को लेकर। रिलायंस के अंदर मुकेश अंबानी जी ने एक पर्सन का यहां पर इंटरव्यू लिया था, और उसके इंटरव्यू के 5-6 राउंड कंप्लीट होने के बाद जब फाइनल इंटरव्यू के अंदर वो इंसान उनके सामने आकर बैठा तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और ये आप लोग गूगल पर जाकर भी देखना, आपको इसकी केस स्टडी भी पता चलेगी। और लास्ट में जब मुकेश जी को पूछा गया कि इतने अच्छे एक्सपीरियंस वाले बंदे को आपने रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि 25-30 साल का उसके पास तजुर्बा था, तो उन्होंने बोला ये इस पर्सन को रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि इसने 25-30 साल का अनुभव तो लिया है लेकिन उसके पास नॉलेज जो है ना वो खाली 1 साल का है, और वो 1 साल का नॉलेज जिस टाइम पर उसने अपना करियर शुरू किया था उसके बाद कभी भी उसने नया सिखा ही नहीं है, उसी चीज को घिसा रहा है।
तो एक बार जब आपने सीखा है और वही चीज को अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो अब आपको करना क्या है, तो अब आपको करना है 20वीं सदी वाला चीज। 20वीं सदी के अंदर होता क्या है, वास्ट विजन। अगर जिंदगी में आगे जाना है तो ऐसा नहीं है कि कुत्तों को पीछे दौड़ा दो, क्योंकि कई लोगों की स्पीड इसलिए बाहर नहीं आ पाती है क्योंकि उनको स्पीड से मारने के लिए या भागने के लिए पीछे कोई ठोकने वाला नहीं होता है। तो आपको वास्ट विजन बनाने का मतलब ऑलवेज ये लेकर चलना पड़ेगा, जिंदगी के अंदर जितनी बड़ी सोच होगी, जितना बड़ा विचार होगा, उतनी चीजों का प्राप्त कर सकते हो। तो आपको अपनी जिंदगी का विजन बढ़ाना है, बड़ा करना है। दूसरा आपको करना क्या है, क्लियर करना है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि आज अगर आप एक मैनेजर की पोजीशन पर काम कर रहे हो, कंपनी के अंदर एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो आपको अपने रूटीन से अपने ऑनर को करना पड़ेगा फ्री। और अगर आप खुद ऑनर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए, आपको रूटीन से फ्री होना पड़ेगा किसी पर्सन को हायर करके। और वो पर्सन इतना दमदार होना चाहिए कि जो आपको रूटीन से फ्री करे। तो ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्लियर करनी है, आपकी पोजीशन कौन सी है उसके हिसाब से। अगर आप टीम मेंबर हो, क्योंकि दोनों कैटेगरी हमारे साथ है, ऑनर्स लोग भी जुड़े हुए हैं और टीम मेंबर भी जुड़े हैं, तो दोनों को लेकर मैं बात करूंगा। और लास्ट में आएगा प्रोफेशनलिज्म, बहुत जरूरी होता है एक प्रोफेशनल होकर किसी भी काम को करना। क्योंकि क्रिकेट तो हर कोई इंसान खेल लेता है गली के अंदर और सिक्स और फोर लगा लेता है, लेकिन उसकी रियलिटी पता तब चलती है जब वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए जाता है। क्योंकि गली की जो पिच होती है और नेशनल लेवल की जो पिच होती है और जो माहौल होता है वो अलग होता है। तो वहां अगर आपको खेलना है तो आपको प्रोफेशनल खिलाड़ी बनना होता है। उसी तरीके से जब आप अपना काम कर रहे होते हो, घर पर कर रहे होते हो, तो आपका तरीका अलग होता है। कहीं कंपनी के अंदर कर रहे हो तब आपका तरीका अलग होता है, लेकिन एक पोजिशन के साथ जब आप काम कर रहे हो तो आपका काम प्रोफेशनल होना चाहिए। और प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये, उसको कभी कुछ बताना ना पड़े, वो खुद से समझकर सब कुछ करे। जैसे पूनम जी ने बहुत ही अच्छी चीज पहले ही स्टार्टिंग के अंदर बताई, कुछ इंसान जिंदगी के अंदर पैदा होते हैं ट्रेन के अंदर डिब्बा बनने के लिए, और डिब्बा ऐसा होता है जिसको धक्का मिलना जरूरी है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंजन बनते हैं। तो आप सभी लोगों को इंजन बनना है, डिब्बा नहीं। क्लियर है? यस, आगे बढ़ते। तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि आज अगर हमें कामयाब होना है तो हमें प्रोफेशनल तरीके से अगर हमें काम करना है तो 20वीं सदी के माइंडसेट में जो हम बंदे हैं वहां से हम बाहर कैसे निकले। तो सबसे पहले हमें यहां पर काम करने की जरूरत रहेगी, नो सेल्फ डेवलपमेंट। क्योंकि 20वीं सदी का माइंडसेट ये बन चुका है, उनको सेल्फ डेवलप करने की जरूरत नहीं है, वो डेवलप होना नहीं चाहते हैं, वो ग्रो होना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कामयाबी चाहते हैं। ये बात ऐसी हो गई है, चाहते सब कुछ है और सब लोग चाहते हैं, लेकिन मिलता उन्हीं को है जो उसके लिए मेहनत करता है। दूसरी चीज हो जाती है 20वीं सदी का माइंडसेट, इमोशनल थिंकर। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं और बहुत सारे लोगों को पूछता हूं, सर आप कामयाब होते क्यों नहीं हो, तो वो लोग बताते हैं मेरा प्रॉब्लम ये है मैं लोगों को ना नहीं बोल पाता हूं, मेरा प्रॉब्लम ये है मैं लोगों को डांट नहीं पाता हूं, मेरा प्रॉब्लम ये है मैं मुंह पर लोगों से बात नहीं कर सकता हूं। तो आपको बताना यह जरूरी है, अगर आप इमोशनल रहकर अगर किसी भी काम को कर लोगे तो एक लेवल का ही ग्रोथ आपका होगा। आपको अगर ग्रो होना है तो आपको रैशनल होना पड़ेगा। इमोशनल थिंकर रहकर आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। फिर आता है सबसे पुराना सबसे आगे। बहुत सारे लोगों की सोच यह होती है जितना ज्यादा टाइम में काम करूंगा उतना ही मैं ग्रो होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पहले का जमाना था टेस्ट मैच का, फिर जमाना आया 2020 का, और आज के टाइम में जमाना आने वाला है 10-10 का। तो समझ जाना, जितने स्पीड में दुनिया बदल रही है आपको भी चेंज होना है। आपको वैसा ही बना नहीं रहना है कि मैं पुराना होते जाऊंगा ग्रो होते जाऊंगा, नहीं। पुराने लोग ग्रो कर सकते हैं, नए लोग भी ग्रो कर सकते हैं, जिसमें होगा दम वही बनेगा बाजीराव सिंघम। इसका मतलब ये होता है दमदार अगर आप होगे ना तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे और आगे जाओगे।
फिर होता है फास्ट डेवलपमेंट। कई लोगों का कहना यह होता है कि मेरे जिंदगी के अंदर मैंने जो सपने देखे हैं वो अगर मुझे पूरे करने हैं तो करने के लिए मेरे बॉस जो है वो मुझे हेल्प करेंगे, मेरी टीम जो है वो मुझे मदद करेगी। आज इस दुनिया के अंदर कोई आपको सपोर्ट करने के लिए आएगा नहीं, आपको खुद को फास्ट डेवलप होना पड़ेगा। और फास्ट डेवलपमेंट जितना आप अपने अंदर लेकर आओगे उतना ज्यादा आप ग्रो कर पाओगे। फिर आपको देखना है रैशनल थिंकर, जो मैंने आगे आपको बोला कि आपकी सोच बदलनी पड़ेगी काम करने की, क्योंकि सोच बदलती है तभी दुनिया बदलती है। और सोच अगर आपने अपनी बदल दी तो आने वाली दुनिया जो है वो आपकी चेंज हो सकती है। और लास्ट में आता है टैलेंटेड पर्सन आगे। अब जो जमाना है वो टैलेंटेड लोगों का जमाना है, तो आपको अपने अंदर टैलेंट लाना पड़ेगा। क्या टैलेंट लाना पड़ेगा? मल्टीटास्कर। क्या टैलेंट लाना पड़ेगा? आपको बनना पड़ेगा ऑलराउंडर। क्या टैलेंट लाना पड़ेगा? आपको बनना पड़ेगा हर काम को अच्छी तरीके से कैसे कर सके, क्योंकि परिस्थितियां जरूरी नहीं है हर बार सेम रहे, जरूरी नहीं है कि हर बार सेम चीजें हो। अगर परिस्थितियां विपरीत होती है उसी के अंदर नई लोगों का या नए लीडरों का आविष्कार होता है। तो कहा जाता है कि जब जहाज चलाने की बारी आती है, जहाज जो होता है वो सबसे सेफ कहां पर होता है? लंगर के ऊपर, जहां पर उसको रखा जाता है। लेकिन वो बना ही इसलिए होता है समुन्दर के अंदर जो लहरें आती है उसको टकराने के लिए। प्लेन जो होता है वो सबसे ज्यादा सेफ कहां पर होता है? आप लोगों को पता होगा एयरपोर्ट पर। लेकिन वो बना ही इसलिए है कि वो ऊपर उड़े और जाए आसमान के अंदर और चीर कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। तो हर चीज बनी होती है और वो सेफ रहती है पर्टिकुलर एक जगह पर, लेकिन उसको अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो उसको वहां से उड़ना पड़ेगा, वहां से आगे आना पड़ेगा।